तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी में देखने को मिलेंगे। गाइज सैमसंग जनवरी के मंथ में काफी कमाल के स्मार्टफोन्स लाने वाला है और हर साल के फर्स्ट क्वार्टर में सैमसंग की ओर से आने वाले स्मार्टफोन्स सैमसंग के हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन होते हैं। तो जनवरी के मंथ में आने वाले स्मार्टफोन सैमसंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी के मंथ में सैमसंग की ओर से आने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में, साथ ही वीडियो में जानेंगे इन सभी स्मार्टफोन्स के एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। तो स्वागत है आपका केडीसी अटैक पे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टैक वीडियोस देखते रहने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले सैमसंग की एस सीरीज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स गैलेक्सी S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा ये तीनों 14 जनवरी को लॉन्च हो जाएंगे। जहां इनके मेन हाइलाइटेड स्पेक्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन कुछ रीजन्स में स्नैपड्रैगन 888 और कुछ में एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं। जहां S21 और S21 प्लस में एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वहीं S21 अल्ट्रा एक कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आएगा। तो गाइज इन सभी स्मार्टफोन्स पर डिटेल वीडियोज हमने ऑलरेडी चैनल पर बना रखे हैं, तो आप इनकी ओल्ड डिटेल्स वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी अभी इनके प्राइस की बात करें तो वैसे तो हर साल सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के प्राइस इंक्रीज ही होते हैं, लेकिन इस बार सैमसंग इनके प्राइस काफी कम रखने वाला है। तो गैलेक्सी S21 का प्राइस 60 से 65,000 के बीच रहने वाला है, वहीं गैलेक्सी S21 प्लस का प्राइस 75 से 80,000 के बीच देखने को मिलेगा और S21 अल्ट्रा का प्राइस 90 से 95,000 के बीच होगा। तो इस प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो जाते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग की ए सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको जनवरी में देखने को मिलेंगे। तो पहले गैलेक्सी A52 और A72 ये दोनों एक साथ ही लॉन्च होंगे और ये दोनों ही 5G स्मार्टफोन हैं। तो गैलेक्सी A52 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जहां इसके रियर में क्वाड कैम सेटअप होगा जिनमें 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 55 मेगापिक्सल के कैमरा होंगे मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग के लिए। और दोस्तों यह स्मार्टफोन 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि एक पंच होल डिजाइन वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले होगी। वहीं यह 5000mAh की बैटरी के साथ आने वाला है जिसमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसे 2020 के हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी A51 से कंपेयर करें तो सैमसंग इसे काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स के साथ लाने वाला है और हो सकता है कि यह सैमसंग की ओर से 2021 का हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन हो। जहां इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इंडिया में 25,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट गैलेक्सी A72 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यह स्मार्टफोन पेंटा कैमरा सेटअप से आने वाला है जिनमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा जिसके साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होगा जो कि 3x तक के ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का बोके कैमरा और 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा मैक्रो शॉट्स के लिए। तो यहां पर सैमसंग ने इसमें एक जूमिंग कैमरा भी दिया है और इसकी मेन हाईलाइट होने वाली है इसका प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, यह स्मार्टफोन एक्जिनोस 1080 प्रोसेसर के साथ आने वाला है जो कि एक 5nm प्रोसेसर पे बना हुआ प्रोसेसर है, तो इसमें काफी कमाल के परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बाकी यह स्मार्टफोन 6.7 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी के साथ आने वाला है। वहीं इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इंडिया में 35,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एम सीरीज के स्मार्टफोन्स की बात करें तो एम सीरीज में पहला स्मार्टफोन गैलेक्सी M12 जो कि कुछ रीजंस में गैलेक्सी F12 के नाम से भी आ सकता है। यह स्मार्टफोन दिसंबर के एंड तक लॉन्च हो जाएगा और जनवरी में इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। इसके कुछ मेन स्पेक्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन 7000mAh की बैटरी के साथ आने वाला है, साथ ही इसमें 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और इसके रियर में स्क्वायर शेप वाला क्वाड कैम सेटअप होगा। जहां इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 15,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, तो इस प्राइस में यह काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, तो आप इसका डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। अब एम सीरीज के नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो गैलेक्सी M42 जनवरी के एंड तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है और इसके प्रोसेसर की बात करें तो यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर साथ आएगा, तो इसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो यह स्मार्टफोन स्पेक्स वाइज तो सेम ही होने वाला है जैसा गैलेक्सी M31S है, लेकिन इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर होगा जो कि एक काफी अच्छी बात हो जाती है। जहां इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 20,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। तो गाइज अभी इतने ही स्मार्टफोन्स हैं जो आपको जनवरी के मंथ तक इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा कुछ स्मार्टफोन्स लाइक गैलेक्सी M62, F62 और गैलेक्सी A32 5G इन स्मार्टफोन्स पर सैमसंग काफी सीरियसली काम कर रहा है और इन सभी स्मार्टफोन्स की ओल्ड डिटेल्स हमें जनवरी में देखने को मिल जाएंगी। अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें।